बैठ बैठ तुम। यूपी के कुशीनगर के नौरंगिया गांव में बुधवार की शाम परमेश्वर कुशवाहा के इस घर में जहां खुशियों का माहौल था, वहां आज मातम है। रोती चीखती बदहवास महिलाएं हैं। शादी की एक रस्म के दौरान हुए एक हादसे ने परिवार को कभी न भूल पाने वाला जख्म दे दिया। ये देखिए, यही है वो मौत का कुआं जो शादी की खुशियों में शामिल 13 जिंदगियों को लील गया, जिनमें एक साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। आइए आपको बताएं ये हादसा कैसे हुआ और परिवार वाले स्वास्थ्य महकमे पर लापरवाही का आरोप क्यों लगा रहे हैं। हल्दी से जुड़ी रस्म के लिए कुएं पर गई थी महिलाएं। रात 8:30 से 9 बजे के बीच का वक्त था। हल्दी से जुड़ी एक रस्म मटकोड़वा के लिए घर की महिलाएं और बच्चियां कुएं पर पहुंची थीं। कुएं पर रस्म शुरू हुई और भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। कई लड़कियां और महिलाएं कुएं की मुंडेर और कुएं पर बने चबूतरे पर जाकर बैठ गईं। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने उन्हें बार बार टोका कि स्लैब पर ना चढ़ें, पर डांस देखने के लिए स्लैब पर चढ़ी महिलाओं ने इस हिदायत को अनसुना कर दिया। कुएं का स्लैब टूटा, पानी में समाती गई महिलाएं। कुआं पुराना था और बरसों से इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं हो रहा था। बताया जा रहा है कि स्लैब इतने लोगों का बोझ सह नहीं सका और करीब 9:15 बजे भरभरा कर गिर पड़ा और इस पर खड़ी 20 से 25 महिलाएं कुएं में समा गईं। बताया जा रहा है कि पहले कुछ महिलाएं गिरी और फिर एक दूसरे को बचाने और पकड़ने के चक्कर में कई और महिलाएं कुएं में गिरती चली गईं। कुएं में काफी पानी था, महिलाएं डूबने लगी। मौके पर चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव के लोगों को जब हादसे का पता चला तो आनन फानन में जो कुछ भी मिला उसे लेकर घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। कुएं से महिलाओं को निकालने की कोशिश। मौके पर पहुंचे लोगों ने रस्सी और अन्य साधनों के माध्यम से कुएं में गिरी महिलाओं को निकालने की कोशिश शुरू की। करीब 9:30 बजे कंट्रोल रूम को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीढ़ी लगाकर महिलाओं को कुएं से बाहर निकालने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद एक छोटी बच्ची सहित 13 महिलाओं के शव बाहर निकाले गए। रात करीब 3:30 बजे तक कई लोगों के शव कुएं से बाहर निकाले जाते रहे। मौके पर तमाम बड़े अफसर मौजूद थे। चीख पुकार के बीच कई लोग गांव से भागे। ये घटना इतनी भयावह थी कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। शादी वाले घर में तो चीख पुकार मच गई। परमेश्वर कुशवाहा के घर की महिलाओं को जब ये पता चला तो वो घर में ही बेहोश हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जब गांव पहुंची तो घर के कई पुरुष फरार थे। उन्हें डर था कि कहीं गांव के लोग आक्रोश में आकर उनके साथ मारपीट न कर दें। गांव वालों का स्वास्थ्य महकमे पर आरोप। पोस्टमार्टम के बाद सभी 13 शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। गांव वालों ने स्वास्थ्य महकमे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस 2 घंटे बाद पहुंची। अगर एम्बुलेंस वक्त पर आ जाती तो हो सकता है कि कुछ जिंदगियां बचा ली जाती। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।